हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो। आज इस वीडियो में करने वाला हूँ रिव्यू एलजी का फ्रिज का है। देख सकते हैं काफी दमदार फ्रिज आया है, 2024 मॉडल है। यहाँ पे स्टार की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग में आएगा। 201 लीटर का फ्रिज है। यहाँ पे मिल जा रहा है एलजी का ब्रांडिंग, और देख सकते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक इसका फ्लावर कितना जबरदस्त, कितना अच्छा लुक में है। ये फ्रिज पूरा गोल में है। बहुत सारे फ्रिज देखे होंगे जो कि एकदम सैंपल से आता है, प्रिंट रहेगा बट एकदम मतलब सैंपल उसका विंडो रहेगा, यानी इसका फाटक रहेगा। इसका ये गोल में फ्रिज है पूरा, जैसे कि बाल के आकार जैसे ये फ्रिज बनाया है। इसका हैंडल भी पूरा गोल है, और अदर फ्रिज में आप देख सकते हैं एकदम सैंपल हैंडल आएगा, एकदम खड़ा। इसका देख सकते हैं हैंडल और फ्रिज पूरा गोल टाइप में है, काफी दमदार है, चौड़ा है, मजबूत है, काफी स्ट्रॉन्ग फ्रिज है। तो पूरा लुक देख सकते हैं। इसके साइज की बात करें तो ये 3.5 फुट 4 फुट के आसपास में ये फ्रिज आएगा, 3 स्टार। ठीक है, देख सकते हैं इसके विंडो में काफी स्पेस मिल जा रहा है, जो कि आप अपने यूज के हिसाब से कर सकते हैं। 3 बोतल 4 बोतल यहाँ पर रख सकते हैं, ऊपर भी 3 4 बोतल रख सकते हैं, ऊपर एक वगैरह रख सकते हैं या आइस वगैरह जमा सकते हैं। यहाँ पर मिल जा रहा है डीप फ्रीजर जो कि चिल्ड कर देता है, फास्ट डीप फ्रीजर जो कि चिल्ड कर देता है, बर्फ जमा देता है 50 मिनट में। यहाँ पर मिल जा रहा है टेम्परेचर, आप अपने हिसाब से चाहें तो सेट कर सकते हैं, 6 तक लास्ट है, 5.5 पे 4.5 पे ऑटोमेटिक सेट है, तो ऑटोमेटिक छोड़ दें। यदि आपको लगता है टेम्परेचर कम ठंडा करा है तो आप इसको प्लस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे मिल जा रहा है जस्ट एप्पल वगैरह रखने के लिए, 4 से 5 किलो आप इसमें फूड वगैरह रख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे मिल जा रहा है 3 4 बॉक्स जो कि आप अपने यूज के अनुसार रख सकते हैं, सब्जी वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं, बोतल या जो आपको रखना हो रख सकते हैं। नीचे मिल जा रहा है सब्जी स्टोर करने के लिए बॉक्स, 10 12 लीटर 10 12 किलो आप सब्जी इसमें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मिल जा रहा है आइस वगैरह जमाने के लिए, ड्रिंक वगैरह में रखने वाला इसमें आइस बर्फ ऊपर रख के जमा सकते हैं, जो कि 2 बॉक्स आपको मिल जा रहा है यहाँ पे। और ये फ्रिज 2024 मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है, 3 स्टार रेटिंग है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 16,000 में मिलेगा ऑफलाइन में। ऑनलाइन इसको परचेस करेंगे तो 17 17,500 के करीब में आएगा। 31 वाट एलईडी बल्ब इतना ये वोल्टेज लेता है, यानी इन्वर्टर से भी फ्रिज चल जाएगा। विदाउट स्टेबलाइजर, यानी स्टेबलाइजर लगाने की इसमें फ्रिज में जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है साफ साफ वर्क विदाउट स्टेबलाइजर, यानी 135 वोल्ट भी रहेगा आपके यहाँ लाइट तो चल जाएगा, यानी विदाउट स्टेबलाइजर, यानी स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2024 का मॉडल है, इसकी 10 साल की गारंटी, कंप्रेसर के मिल जा रही है होम सर्विस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि इस तरह टेक्नोलॉजी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।